याद होगा हम लोग क्या कर रहे थे. यस द स्टोरी ऑफ टॉम सॉयर इज़न्ट इट. सो उसमें हम लोगों ने आधा ही कहानी पढ़ा था और आप लोगों को तो पता ही वो कैसा लड़का था. क्वाइट नॉटी इज़न्ट इट. उसको अच्छी तरह से आता था कि अपना काम दूसरों से कैसे निकाल ले. ओके और वो किसके साथ रहता था. उसकी मौसी जो काफी बूढ़ी हो गई थी उसी मौसी के साथ में. मौसी का क्या नाम था. पॉली. ओके सो उसके साथ रहता था और चूंकि बहुत बदमाश था तो एक दिन क्या हुआ था कि काफी परेशान होकर उसकी मौसी ने उसे क्या कर दिया था. फेंसिंग को वाइट वॉश करने का काम सौंप दिया था. लेकिन उसमें भी अपनी चतुराई के कारण उसने क्या किया अपने दोस्त को क्या कर दिया सौंप दिया वो काम. और उसके बदले में उसे क्या भी मिला था. फल भी मिला था. ओके नाउ गो टू पेज नंबर 40. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 40. ओके थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए. वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते मगर किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में फंस जाते. एक थकता तो दूसरा बस को हाथ में लेकर ब्रश से पुताई करने में जुट जाता. तो उसके बाद अब जब उसका दोस्त चला गया तो उसके बाद में क्या हो गया और भी बाकी लड़के भी आने लगे और लड़के उसे चिढ़ाते. इससे पहले ही वो अपना बात इस तरह से घुमा देते कि लड़के एक एक करके वो कुताई करने में लग गए. एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश में कुताई करने में जुट जाता. टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था. भाई ऐसा नहीं ऐसी कुताई करो कि चार दीवारी खिलेगी. उतना ही नहीं उसके दोस्त को वो सजेशंस भी देता था कि नो नो नॉट लाइक दिस यू डू इन सच अ वे दैट द फेंसिंग शाइन्स. ओके लड़के सोचते कहीं उनके हाथ में ब्रश न छीन लिया जाए इसलिए वे टॉम के एक एक आदेश का बड़ी बारीकी से पालन करते. सो लड़कों को बच्चा लोगों को क्या होता है कि व्हेन दे डू समथिंग न्यू दे एंजॉय इट. तो उसको अच्छा लगता था तो उसको लगता था कि अगर हम अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो टॉम शायद ब्रश छीन के ले लेगा और उसका क्या हो जाएगा उसका काम अधूरा रह जाएगा उसे एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए वो बच्चे क्या करते थे और अच्छी तरह से पुताई करते थे. यही नहीं जो जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते वे टॉम को अपनी प्रिय चीजें देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते. नॉट ओनली दैट दोज हु वांटेड टू ब्रश दे इवन गिव देयर फेवरेट थिंग. उनके पास जो अच्छी पसंद वाली चीज हो जाती थी होती थी वो भी उसे दे देता था कि उसे भी मौका मिले ब्रश करने का. अब टॉम के पास चॉक के टुकड़े कांच की चूड़ियां चाकू का हैंडल कुत्ते का पट्टा यू नो व्हाट इज पट्टा कुत्ते का पट्टा बेल्ट जो डॉग के गले में बांध दिया जाता है नीली शीशी का टुकड़ा जैसे बहुमूल्य वस्तु का ढेर लग जाता. दोज वेयर नॉट वेरी प्रीशियस और कॉस्टली थिंग्स बट फॉर द चिल्ड्रन दे आर फेवरेट थिंग्स. वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था. और उसके पास तो इतने सारे चीज हो गए दोस्तों का किसी का नीला पत्थर था तो किसी का कुत्ते का पट्टा था किसी का क्या था हैंडल था चाकू का हैंडल जो बहुत सुंदर सुंदर होता था. वो सब बच्चों का प्रिय चीज होता है इज़न्ट इट. सो ये सब चीज पाके टॉम को ऐसा लगता था ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. इस प्रकार कुछ ही देर में चार दीवारी पर तीन तीन बार पुताई हो गई थी और चार दीवारी एकदम जगमगाने लगी थी. नॉट ओनली वंस अब तो उसको चीज भी मिलने लगा तो उसने कितने बार कर दिया तीन तीन बार व्हाइट वॉश कर लिया. जब टॉम की खुशी का ठिकाना न था अब टॉम की खुशी का ठिकाना न था वो दौड़ा दौड़ा पॉली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला उल्लास भरे मतलब जोश के साथ विद प्लेजर ही वाज सो हैप्पी टू शो दिस टू हिज आंटी. अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी. तो उसने मौसी के पास जाके बोला कि नाउ कैन आई गो एंड प्ले. अरे अभी से पहले पुताई तो पूरी करो मौसी ने कहा. फिर पूछा अच्छा बताओ तो अब तक तुमने कितनी पुताई की. हु इज आस्किंग दिस. पॉली मौसी उससे पूछ रहा है ना सो फास्ट.
आई थिंक यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर वर्क, लेट मी फर्स्ट सी एंड चेक तुमने अपना काम पूरा किया कि नहीं। टॉम विजय के गर्व से भर कर बोला। टॉम वॉज विक्टोरियस, इसेंट इट, एकदम जीत चुका था क्योंकि उसका तो जो काम दिया गया था वो पूरा कर भी चुका था और बढ़िया भी किया था। पूरी चार दीवारी की पुताई हो गई मौसी, तो उसने मौसी को बोल दिया कि यस यस आई हैव डन ऑल द फोर साइड्स। क्यों झूठ बोल रहे हो रे टॉम, मौसी ने गुस्से से आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। ऐसा करके मौसी ने बोला व्हाई आर टेलिंग लाइज बोल के उसको, मौसी ने किसे कहा, टॉम सर से। झूठ नहीं बोल रहा हूं मौसी, सच कह रहा हूं, सचमुच पूरी दीवारी पुत गई है, टॉम ने उत्तर दिया। और जब पॉली मौसी चार दीवारें देखने गए तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गए। तो टॉम ने बता दिया कि यस यस पूरा काम हो चुका है। और जब टॉम ने मौसी को दिखाया तो मौसी ऐसा घूम के चारों तरफ देखी, पूरा क्या था फेंसिंग बढ़िया से व्हाइट वॉश हो चुका था। सी वॉज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, सचमुच पूरी चार दीवारी बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। चार दीवारी को देखकर पॉली मौसी के आंखों में एकाटक टॉम के लिए ममता का समुद्र उभरा। व्हेन शी सॉ सच अ ब्यूटीफुल वर्क शी फेल्ट पिटी, उसको प्यार आने लगा टॉम सायर पर। लाड से भरकर बोले, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वो भी इतनी सफाई से, सचमुच मुझे आश्चर्य है। सो शी वॉज सो हैप्पी एंड शी स्टार्टेड प्रेजिंग किसे, टॉम। कुछ देर बाद पॉली मौसी बोले, अच्छा टॉम अब तुम जाओ और दोस्तों के साथ खेल कूद करो। पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। व्हेन यू डू समथिंग गुड व्हाट डू यू गेट, तुमको क्या मिलती है, शाबाशी जल्दी। तो उसी तरह से मौसी ने भी उसके पीठ में थपथप करके बोला कि वेरी गुड वेल डन। उतना ही नहीं उसने एक बढ़िया सा उन्होंने एक सेब भी टॉम को दिया। मेज से सेब खाता, मजे से सेब खाता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा। वो सोच रहा था, अरे वाह आज का दिन कितना अच्छा है, अगर कोई चाहे तो इतनी चतुराई से सब बहुत कुछ कर सकता है। तो टॉम को बड़ी खुशी हुई कि उसने अपना काम भी कर लिया, उसे मेहनत करना भी नहीं पड़ा और बदले में उसे शाबाशी भी मिला और इनाम में रिवॉर्ड में उसे क्या भी मिला, सेब। तो सेब खाता खाता जब वो निकल रहा था तो वो बड़ा खुश था कि वाह व्हाट अ प्लेजेंट डे इट इज एंड व्हाट अ गुड डे इट वाज कि मुझे आज गाली नहीं शाबाशी मिली। और फिर अपने आप ही वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि अपने समझदारी से चतुराई से अगर कोई भी काम करो तो क्या कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आसान से अपना काम भी पूरा हो सकता है। और इस कहानी का लेखक कौन था, मार्क ट्वेन। ओके सो बच्चों अब आपने कहानी तो सुन ही ली है, हमने ये दो भाग में इसलिए किया क्योंकि यू विल गेट बोर्ड नो लिसनिंग टू माई लेक्चर इज़न्ट इट। ओके सो अब हम जो कि कहानी खत्म कर चुके हैं तो मैं इन सब एक्सरसाइज के आपको व्हाट्सएप में सब एक्सरसाइज करवा दूंगी और साथ में आपको पेज नंबर 41 से शब्दार्थ भी लिखना है और पेज नंबर 43 से आपको क्या करना है, दैट इज योर टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका होमवर्क है। तो ये आप कर लीजिए और इसके साथ ही मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा के भेज करके भेज दूंगी। सो बच्चों बी सेफ, स्टे होम एंड यस डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन योर मास्क। ओके।